हरपाल सिंह, उसकी बीवी जसप्रीत कौर और उसकी बेटी जैस्मिन तीनों मेक्सिको की फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पर खड़े थे। उन्हें किसी बात का डर सताया जा रहा था। जैसे जैसे वो सिक्योरिटी चेक के करीब जा रहे थे, उनकी दिलों की धड़कनें बढ़ती ही जा रही थीं। मगर ऐसा क्या था जो उन्हें इतना डरा रहा था? हरपाल सिंह 45 साल का एक किसान था जो पंजाब के छोटे से गांव में अपनी पत्नी जसप्रीत कौर और 19 साल की बेटी जैस्मिन के साथ रहता था। हरपाल का परिवार बेहद गरीब था और पिछले कुछ सालों से बारिश कम होने की वजह से उसकी फसल भी ठीक से नहीं उगी थी। पैसे की तंगी होने की वजह से जैस्मिन की पढ़ाई छुड़वा दी गई थी और उसे भी अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए छोटी मोटी जॉब ढूंढनी पड़ी। जैस्मिन ने उन्हीं के गांव के एक जमींदार के घर काम ढूंढ लिया था, लेकिन वो जमींदार जैस्मिन से बहुत बदतमीजी किया करता था। एक दिन तो हद ही हो गई जब उसने जैस्मिन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जैस्मिन अपने आप को बचाकर घर तो लौट आई, मगर वो बहुत टूट चुकी थी और वो घर आते ही फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपनी माँ जसप्रीत को सब बताया और जसप्रीत ये सब सुनकर आग बबूला हो गई। वो आदमी उनके गांव का एक बड़ा जमींदार था, इसलिए सभी लोग उससे बहुत डरते थे और पुलिस भी उससे कुछ नहीं कहती थी। जसप्रीत ये बात जानती थी, मगर उसका गुस्सा अब बहुत बढ़ गया था। उसने अलमारी में से एक खंजर निकाला और तुरंत उस आदमी को मारने के लिए जाने लगी, मगर जैस्मिन ने उसे किसी तरह से रोक लिया। जैस्मिन ने बड़ी मुश्किल से अपनी माँ को समझा बुझा के सुला दिया। अगली सुबह जब जैस्मिन और जसप्रीत नींद से उठे तो उनके होश उड़ गए। हरपाल सिंह ने अपनी बीवी और बेटी को बताया कि पूरे गांव में शोर मचा हुआ है, उस जमींदार का खून हो गया है और पुलिस जल्द ही जैस्मिन से पूछताछ करने के लिए वहां आने वाली थी। हरपाल सिंह, जसप्रीत और जैस्मिन तीनों बहुत ज्यादा डर गए। हरपाल सिंह ने अपने जीवन की पूरी जमा पूंजी उठाई और वो तुरंत अपने परिवार को लेकर वहां से निकल गए। निकलकर वो हरपाल के चचेरे भाई बलबीर के घर चले गए। वो चंडीगढ़ के पास ही रहता था। वहां जाने के बाद हरपाल सिंह ने उसे अपनी हालत के बारे में बताया और बताया कि वो कितना परेशान है। तब बलबीर ने उसे बताया कि बेहतर जिंदगी के लिए हरपाल को अपने परिवार के साथ इंडिया को छोड़कर अमेरिका चले जाना चाहिए। बलबीर ने हरपाल को अमेरिका के बारे में बड़े बड़े सपने दिखाए। उसने बताया कि अमेरिका में जाकर डॉलर में पैसा कमाया जाता है और सभी का रहन सहन का तरीका बहुत अच्छा हो जाता है। उसने बताया कि वहाँ हर किसी को नौकरी बड़े आराम से मिल जाती है और बलबीर ने कहा कि उनके कई रिश्तेदार अमेरिका गए हैं और अब एक सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। ये सब सुनकर हरपाल भी अब अमेरिका जाना चाहता था, मगर हरपाल तो छोटा सा किसान था, उसके पास पासपोर्ट भी नहीं था, तो भला वो देश छोड़कर कैसे जा सकता था? तब बलबीर ने उसे बताया कि उसकी जान पहचान के कई लोग डंकी फ्लाइट लेकर फॉरेन गए हैं। डंकी फ्लाइट यानी कि इलीगल डॉक्यूमेंट्स बनवाकर देश छोड़कर चले जाना। इस प्रोसेस में लोग नकली कागज बनवाकर बड़े बड़े देशों जैसे यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर से जुड़े छोटे देशों में जाते हैं और फिर वहां से किसी एजेंट की मदद से इलीगली बॉर्डर पार कर लेते हैं। यानी हरपाल को बस किसी एजेंट से बात करनी थी जो उनका नकली पासपोर्ट और वीजा बनवा देगा और फिर हरपाल सिंह को मेक्सिको भेज दिया जाएगा, जहां एक दूसरा एजेंट उन्हें बॉर्डर पार करा देगा। इसके बाद बलबीर ने हरपाल की बात एक ट्रैवल एजेंट से कराई। हरपाल सिंह ने अपने सारे पैसे उस एजेंट को दे दिए। उस एजेंट ने उन तीनों का मेक्सिको का नकली वीजा और पासपोर्ट बनवाया और उसने हरपाल को रजत विकास नाम के एक दूसरे एजेंट का नंबर दिया और कहा कि वो उसकी जान पहचान का बंदा है, वही उन्हें मेक्सिको का बॉर्डर पार कराएगा और फिर वो आसानी से अमेरिका में अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। हरपाल सिंह, जसप्रीत और जैस्मिन तीनों मेक्सिको की फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पहुंच गए थे। उन्हें इस बात का डर सताया जा रहा था कि कहीं सिक्योरिटी इमिग्रेशन के टाइम उन्हें पकड़ ना ले। जैसे जैसे वो सिक्योरिटी चेक के करीब जा रहे थे, उनके दिलों की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। मगर उन जाली डॉक्यूमेंट से उनका क्लियरेंस आसानी से हो गया। हरपाल सिंह को लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। हरपाल ने वो डंकी फ्लाइट पकड़ी और अपने पूरे परिवार के साथ वहां पहुंच गया। वहां पहुंचकर हरपाल सिंह ने उस एजेंट रजत विकास को फोन लगाया और उसकी हेल्प मांगी। रजत हेल्प करने को तैयार तो हो गया,
मगर उसने हरपाल सिंह से कहा कि बॉर्डर पार कराने के लिए और पैसे लगेंगे। रजत विकास ने उससे कई लाख रुपए और मांग लिए। ये सुनते ही हरपाल के होश उड़ गए, क्योंकि ना ही बलबीर ने और ना ही उस ट्रैवल एजेंट ने उसे इस बारे में कुछ भी बताया था। जब हरपाल ने बलबीर और उस ट्रैवल एजेंट को फोन लगाने की कोशिश की तो उनका नंबर कभी मिला ही नहीं। हरपाल समझ गया था कि बलबीर ने उसके साथ धोखा किया है। मजबूरी में हरपाल सिंह को रजत की बात माननी पड़ी और हरपाल और जैस्मिन छुप छुप कर मेक्सिको में कुछ छोटी मोटी नौकरियां करके पैसे इकट्ठा करने लगे। कई बार मेक्सिको के गुंडे मवाली हरपाल को मारा करते थे और उसके पैसे भी छीन लेते थे। धीरे धीरे हरपाल को अपना देश छोड़ के भागना एक बहुत बुरा डिसीजन लगने लगा था। जसप्रीत बार बार हरपाल को वापस इंडिया चलने को कहने लगी, मगर हरपाल इस बात को हमेशा मना कर देता। ऐसे ही एक दिन बेहद दुखी होकर हरपाल सिंह ने अपनी फैमिली को यह भी बताया कि उस जमींदार का खून असल में हरपाल ने ही किया था। उसने जैस्मिन की सभी बातें सुन ली थी और इसी गुस्से में उसने जमींदार के घर जाकर उससे मारपीट की, जिसमें उस जमींदार के सर पर चोट आ गई और वो मर गया। इस वजह से अब हरपाल सिंह और उसकी फैमिली इंडिया वापस बिल्कुल नहीं लौट सकते थे। 3 महीने बीत गए और अब हरपाल सिंह ने करीब 50,000 रुपए जमा कर लिए थे और अपनी पत्नी और बेटी के गहने बेचकर उसे करीब 1,00,000 रुपए और मिल गए थे। उसने वो सभी पैसे रजत को दे दिए और उससे विनती की कि अब वो उन्हें बॉर्डर पार करा दे। रजत हरपाल और उसकी फैमिली को रात के करीब 1:30 बजे मेक्सिको और अमेरिका के बॉर्डर पर ले गया। उसने हरपाल सिंह को बॉर्डर के एक हिस्से में छोड़ दिया, जहां उसके मुताबिक कोई सिक्योरिटी ऑफिसर नहीं होता था। हरपाल जसप्रीत और जैस्मिन के साथ बॉर्डर की तरफ भागा और बॉर्डर पर लगे बार्ड वायर के बीच से निकलकर वो लोग अमेरिका के अंदर घुस गए। अब हरपाल को लग रहा था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अमेरिका की तरफ दौड़ते हुए उसे एक बहुत जोर से गनशॉट की आवाज आई। हरपाल ने पीछे मुड़कर देखा तो जैस्मिन जमीन पर बेजान पड़ी थी। उसके सीने में गोली लगी थी। इससे पहले कि हरपाल जैस्मिन के पास जा पाता, अमेरिका की बॉर्डर पुलिस ने हरपाल और जसप्रीत को हर तरफ से घेर लिया और उन्हें अरेस्ट कर लिया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वो डंकी फ्लाइट लेकर अमेरिका में इलीगली घुसने की कोशिश कर रहे थे, मगर यूएसए के लॉज ऐसी एक्टिविटीज को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट थे। उन्हें लगा कि हरपाल और उसका परिवार इंडियन जासूस थे और यही इल्जाम लगाकर यूएसए फोर्सेस ने हरपाल और जसप्रीत को दोषी करार करके जेल में डाल दिया। जिंदगी बेहतर करने चले हरपाल और जसप्रीत अब पूरी जिंदगी उस गुमनाम जेल में सड़ने वाले थे और उनकी 19 साल की मासूम बेटी जैस्मिन बेवजह ही अपनी जान गंवा बैठी। दोस्तों, हर साल न जाने कितने मासूम और गरीब लोग एक बेटर लाइफ की तलाश में डंकी फ्लाइट्स लेकर बाहर के देशों में जाते हैं और फिर उनका ऐसे ही एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। ये ट्रैवल एजेंट्स जो भोले लोगों को झूठे सपने दिखाकर फंसाते हैं और फिर अनजान देश में मरने के लिए छोड़ देते हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।